हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, आप जो लोग देखते हैं जिन प्लांट्स में फ्लावर आते हैं, उनके लिए फ्लावरिंग कितनी ज़रूरी है। फ्लावरिंग आना बहुत ज़रूरी है प्लांट के सर्वाइवल के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और प्लांट के एग्जिस्टेंस के लिए। क्योंकि जब फ्लावर बनेंगे तभी उसमें फ्रूट बनेंगे, सीड बनेंगे, और जब सीड बनेंगे तभी जो उसकी जनरेशन है किसी भी प्लांट की, वो निरंतर जो है कंटिन्यू बनी रहेगी। तो फ्लावर कैसे बनते हैं, कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है और कौन से फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं फ्लावर के बनने को, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट की फ्लावरिंग के लिए, फ्लावरिंग की फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरी है। तो आज हम दो इसके टॉपिक पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग में फ्लावर के बनने के लिए दो फैक्टर जो है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं फ्लावर आने के लिए। वो दो इफेक्ट हैं लाइट और टेम्परेचर। यानी कि लाइट का एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलना किसी भी प्लांट को फ्लावर के लिए बहुत ज़रूरी है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलना प्लांट के फ्लावर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब हम बात करते हैं कि फ्लावरिंग के लिए लाइट बहुत ज़रूरी है, तो उसको बोलते हैं फोटो पीरियडिस। जब फ्लावरिंग के लिए लाइट का इफेक्ट होता है, लाइट फैक्टर काम करता है, तो इस टर्म को फोटो पीरियडिज्म नाम दिया था सबसे पहले W.W. ग्रेनर और H.A. Allard ने। ये दोनों एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, जिन्होंने टॉबेको की एक किस्म है उसके ऊपर उन्होंने काम किया, मैरीलैंड किस्म है, कि जब उन्होंने उसको लाइट के अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग डे लेंथ पे, जब उस टॉबेको के प्लांट को जब उस पर उन्होंने टेस्ट किए, तो उन्होंने वो रिजल्ट बाद में इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि किसी भी प्लांट के लिए डे लेंथ या फोटो पीरियड जो है वो बहुत एसेंशियल है। ये दो शब्दों से मिला है, आप लोग देख रहे हैं, फोटो प्लस पीरियड। फोटो का मतलब लाइट और पीरियड का मतलब लेंथ या टाइम। मीन क्या हुआ कि फ्लावर के लिए कितना पर्टिकुलर प्रकाश की पीरियड या प्रकाश की लेंथ चाहिए। प्रकाश की लेंथ चाहिए यानी प्रकाश और लाइट जो है, सनलाइट जो है वो दिन के समय मिलती है प्लांट्स को। तो इस बेस के ऊपर हम प्लांट्स को मोस्टली तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट मींस जिनको शॉर्ट डे यानी कि कम लाइट की ज़रूरत होती है, कम लाइट पीरियड की ज़रूरत होती है, अबाउट जो 12 आवर है उससे कम लाइट पीरियड की में जो है ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं शॉर्ट में, इसको बोलते हैं SDP, शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, टॉबेको है, शुगर केन है, सोयाबीन है, डहेलिया है, और भी इसके अलावा इसके एग्जांपल हैं शॉर्ट डे प्लांट के। दूसरे हैं लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट मीन्स इनको लंबे लाइट पीरियड की ज़रूरत होती है, लंबे डे टाइम की ज़रूरत होती है, यानी कि 12 आवर से ज़्यादा, अबाउट 14 to 16 डे लाइट और की इनको फ्लावरिंग के लिए इनके लिए ज़रूरी है, इसलिए इनको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट, LDP, है ना। स्पाइनश, मूली, गाजर, वीट इसके एग्जांपल हैं। तीसरी कैटेगरी है डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट उन प्लांट को कहते हैं जिनके ऊपर लाइट का या फोटो पीरियड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो किसी भी लाइट में, किसी भी लेंथ में, कितनी भी लाइट उनको मिले या कितना भी डे पीरियड उनको मिले, वो आराम से सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि लाइट के प्रति वो न्यूट्रल हैं, उदासीन हैं। तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। इसके एग्जांपल हैं मेज है, सनफ्लावर है, कुकुम्बर है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये तो बात हुई कि फोटो पीरियड के बेस के ऊपर हमने प्लांट्स को तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब ये कैसे, इसकी क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये डिसाइड किया कि हाँ इनको इतनी लाइट चाहिए, ऐसी कौन सी उसमें अंदर ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होती है जिस पे उन्होंने पहचाना कि हाँ इसलिए फ्लावर के लिए ये जो लाइट है वो काम करता है। तो सबसे पहले बात कर इसकी क्या साइट है। तो इसकी जो साइट है जहाँ पे लाइट गिरती है, और लाइट में कुछ कुछ हार्मोन्स जैसी सब्सटेंसेस बनते हैं जो फ्लावरिंग को इफेक्ट करते हैं, वो है लीफ। यानी कि लीफ के अंदर जो है इस कुछ ऐसे हार्मोन, फ्लोरिजन जैसे हार्मोन बनते हैं जो कि फ्लावरिंग को इफेक्ट करती है। मोस्टली जो डेवलप्ड लीफ हैं उनमें जो है उसके लिए ज़्यादा जो हार्मोन है फ्लावरिंग के लिए अच्छी तरह से बनते हैं, बजाय इसके जो यंग लीफ हैं, जो जुवेनाइल लीव्स हैं। लेकिन जो ओल्ड लीफ हैं, काफ़ी मैच्योर हो
इनकी फ्लावरिंग के लिए ज़रूरत है इनकी। ये फ्लावरिंग हार्मोन जो है वो फ्लोएम के थ्रू फ्लावरिंग बड तक पहुँचते हैं। फ्लोएम के थ्रू और भी क्या चीज़ें पहुँचती हैं, फ्लोएम के थ्रू जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस का थ्रू, उसको भी पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, फ्लोएम ही करता है। और फ्लावरिंग के लिए इन फ्लोरीजिन जैसे हार्मोन को भी कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, फ्लोएम ही करता है। कहाँ करता है, फ्लोवरिंग बड तक करता है ताकि फ्लावरिंग हो सके। लेकिन ये दोनों मैकेनिज्म या ये दोनों कंडक्शन है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि हाँ इनकी क्या मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है ये हार्मोन। तो इस ये दो मैकेनिज्म, मेन दो मैकेनिज्म हम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फ्लोरीजन हाइपोथेसिस। जैकलिया नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लोरीजन हाइपोथेसिस दी थी। फ्लोरीजन एक, उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू जैकलिया कि फ्लोरीजन जो है एक हार्मोन है और एंथेसिस जैसे दो हार्मोन या दो सबस्टांसेस से मिलकर बना है। कौन, क्या क्या, ज़िप्रेलिन और एंथेसिस। जो ज़िप्रेलिन है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ेंगे तब हम सारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जो ज़िप्रेलिन है वो लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए एसेंशियल है और जो एंथेसिस है वो किसके लिए, शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए एसेंशियल है। अगर हम इन लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे यानी डे नाइट कम करते हैं, डे का टाइम कम करते हैं, लाइट का पीरियड कम करते हैं, तो इनमें ज़िप्रेलिन की जगह जो है वो एंथेसिस बनने लग जाता है और इन प्लांट्स की जो फ्लावरिंग है वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इनको फुल लाइट देते हैं, 12 आवर्स से ज़्यादा की लाइट देते हैं, तो इनमें ज़िप्रेलिन सबस्टांसेस या ज़िप्रेलिन हार्मोन बनने लग जाता है और इनमें फ्लावरिंग जो है और ग्रोथ जो है वो अच्छी तरह से होने लग जाती है। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया। इसी तरह से जो शॉर्ट डे प्लांट हैं इनको शॉर्ट डे नाइट लाइट चाहिए यानी कि 12 आवर से कम की लाइट चाहिए। लेकिन अगर हम इनको ज़्यादा लाइट दे दें, 12 आवर से ज़्यादा दे दें या जितनी लाइट इनको चाहिए उससे ज़्यादा लाइट दे दें, तो इनमें क्या होगा, ज़िप्रेलिन बनने लग जाता है इन प्लांट में। ज़िप्रेलिन बनने लग जाएगा शॉर्ट डे प्लांट में, तो इनमें जो है फ्लावरिंग स्टॉप हो जाती है। वापस जब इनको हम इनकी लाइट की जो टाइम पीरियड है वो कम कर देंगे तो ज़िप्रेलिन की जगह इनमें एंथेसिस बनने लग जाता है और शॉर्ट डे प्लांट्स में आराम से फ्लावरिंग होने लग जाती है। कहने का मतलब, कंक्लूजन ये है अकॉर्डिंग टू चटियान कि एक फ्लोरीजन जैसा हार्मोन लीफ में बनता है जो ज़िप्रेलिन और एंथेसिस जैसे दो सबस्टांसेस से मिलकर बना होता है। और ज़िप्रेलिन लॉन्ग डे प्लांट के लिए ज़रूरी है और एंथेसिस शॉर्ट डे प्लांट के लिए ज़रूरी है। दूसरी हाइपोथेसिस या दूसरी मैकेनिज्म है फाइटोक्रोम थ्योरी। फाइटोक्रोम थ्योरी जो है वो वॉर्थ विस्क और हैंड्रिक्स नामक साइंटिस्ट ने दी थी। इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग फाइटोक्रोम थ्योरी में उन्होंने क्या बताया कि प्लांट के लीफ में कुछ फाइटोक्रोम पिगमेंट लाइक रिसीवर पिगमेंट्स होते हैं, उनको बोला उन्होंने फाइटोक्रोम। ठीक है, ये दो प्रकार के उन्होंने बताया, FPFR और PR। इन दोनों का क्या मतलब है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है फाइटोक्रोम फार रेड लाइट और इसका है फाइटोक्रोम रेड लाइट। इनका ये दो नाम इसलिए रखा क्योंकि जो ये वाला पिगमेंट है फाइटोक्रोम फार रेड लाइट, ये 730 नैनोमीटर की लाइट को रिसीव करता है जो कि फार रेड। और जो PR है उसकी फुल फॉर्म है फाइटोक्रोम रेड लाइट, आगे लिखा हुआ 660 नैनोमीटर। ये रेड लाइट की वेवलेंथ है, यानी कि ये वाला जो पिगमेंट है वो रेड लाइट को रिसीव करता है। तो दो तरह के पिगमेंट हैं ये और ये दोनों ही पिगमेंट जो हैं एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये अंतर परिवर्तनशील पिगमेंट जो हैं वो लीफ में पाए जाते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, इनकी मैकेनिज्म क्या है। फाइटोक्रोम एक ब्लू ग्रीन प्रोटीन है या एक पिगमेंट है। ये क्या है, जब डे का समय होता है, जो ये वाला जो है वो लॉन्ग डे प्लांट के लिए ये वाला पिगमेंट जो है वो एसेंशियल होता है। जब फुल लाइट होती है, फुल डे टाइम होता है, उस समय जो है ये वाला पिगमेंट जो है रिसीव किया जाता है लॉन्ग डे प्लांट्स के द्वारा, जिसके कारण लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग अच्छी तरह से होती है। और जब दिन का समय यानी कि जब सूर्यास्त होने लग जाता है, डे टाइम ख़त्म हो जाता है, उस समय शॉर्ट डे प्लांट में जो है वो PR फाइटोक्रोम रेड लाइट को पिगमेंट जो है वो रिसीव करता है, इस 680 नैनोमीटर की लाइट को रिसीव करता है और ये वाला पिगमेंट जो है वो एक्टिव हो जाता है और प्लांट शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं उनमें फ्लावरिंग जो है वो होने लग जाती है।
तो इस तरह से दो मैकेनिज्म जो है अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू दी गई कि हाँ ये वाली मैकेनिज्म होती है जो फोटो पीरियोडिज्म को इफेक्ट करती हैं, जिनमें अपन ने फ्लोरिजन देखा, एंथेसिस देखा। हालांकि जो फ्लोरिजन और एंथेसिस जैसे जो सब्सटेंस हैं जिनकी हमने अभी बात की, उनका अभी तक जो है अलग से एक्सट्रैक्ट नहीं बनाया जा सका है, इनके बारे में पूरी तरह से डिटेल हमारे पास नहीं है। और लेकिन फिर भी एक तरीके से ये दो शब्द हैं वो एक काल्पनिक ही हैं, लेकिन फिर भी इसको मान्यता दी हुई है कि जो फ्लोरिजन हार्मोन है या ये जो फाइटोक्रोम थ्योरी है उसके थ्रू जो है वो प्लांट्स में इन हार्मोन के थ्रू जो है वो लाइट पीरियड में, जो कि अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग है, फोटो पीरियडिज्म की एक मैकेनिज्म के थ्रू जो है प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। तो ये तो अपन ने बात की लाइट की, लाइट फैक्टर की, जो कि इसको जो फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग को इफेक्ट करती हैं। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर भी जो है वो फ्लावरिंग की फिजियोलॉजी को या फ्लावरिंग फ्लावर बनने को जो है बहुत इफेक्ट करता है। इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर को वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन जो है वो VER शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग या बसंत ऋतु। ये जो है लाइनेस्को नामक साइंटिस्ट ने दिया था, ये जो टर्म दी है वर्नेलाइजेशन वो लाइनेस्को नामक साइंटिस्ट ने दी थी। इन्होंने राइस की किस्म के ऊपर जो है अपनी रिसर्च की थी, और उस पर उन्होंने अलग दो किस्मों पे विंटर जो किस्म है और इसकी जो स्प्रिंग किस्म है, इन दोनों के ऊपर जब उन्होंने काम किया तो उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि जब राइस की एक किस्म को जब हम स्प्रिंग में बोते हैं तो स्प्रिंग में बोने के बाद ग्रीष्मकाल में जो है इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन राइस की जब दूसरी किस्म को विंटर में बोया जाता है और विंटर में बोने के बाद में उसके जो सीडलिंग्स हैं उनको जब स्प्रिंग या स्कॉर्च जो है लो टेम्परेचर मिलता है, उसके बाद जो है स्प्रिंग के शुरुआत में ही यानी कि ग्रीष्म अवकाश शुरू होने के पहले ही जो है उसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाता है। ये किस वजह से होता है? तो उन्होंने वर्नेलिन एक हार्मोन दिया, वर्नेलिन सब्सटेंसेस बताया कि ये जो पदार्थ है वो वर्नेलाइजेशन को जो है स्टिमुलेट करता है या वर्नेलाइजेशन को इफेक्ट करता है। इसकी साइट क्या है? एपिकल मेरिस्टम। किसकी? वर्नेलिन। वर्नेलिन जो है वो मेल्चियर्स नामक साइंटिस्ट ने इसको इस टर्म को दिया था, इस हार्मोन के बारे में बताया था, जो कि फ्लोरिजन का प्रिकर्सर है, यानी कि फ्लोरिजन से पहले वर्नेलिन बनता है। हालांकि ये भी काल्पनिक है, वर्नेलिन भी अभी इसका भी एक्सट्रैक्ट यानी कि पूरी तरह से अलग रूप से वर्नेलिन को नहीं किया जा सका है, लेकिन फिर भी मेल्चियर्स ने वर्नेलिन के थ्रू ये बताया कि ये वाला जो हार्मोन है वो वर्नेलाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। और जो एपिकल मेरिस्टम कहाँ होती है? जो अपनी शूट की ग्रोथ पार्ट है, जो प्लांट का सबसे ऊपर का टिप पार्ट है, जहाँ से प्लांट ग्रोथ करता है, वहाँ उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। वहाँ पे जो है ये हार्मोन बनता है और प्लांट की ग्रोथ को और प्लांट की फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है। अब बात करते हैं इसका दूसरा मतलब है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। कहने का मतलब कि प्लांट्स में जिन प्लांट्स को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट मिल जाता है स्प्रिंग का सीजन, जैसे किसी प्लांट को हमने स्प्रिंग में बोया, फिर विंटर में गया फिर वापस उसको अगर समर का स्प्रिंग का टाइम मिलता है या लो टेम्परेचर का पीरियड मिलता है, उन प्लांट्स की ग्रोथ और उन प्लांट्स की फ्लावरिंग जो है बहुत अच्छी तरह से होती है। मोस्टली जो ये वाला इफेक्ट है, टेम्परेचर का इफेक्ट है, वर्नेलाइजेशन होता है, वो पेरिनियल प्लांट में या बाइनियल प्लांट में जो कि एक साल में या दो साल में अपनी लाइफ साइकिल को कम्प्लीट करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो पूरा एक चक्र, पूरा साल में एक साल का पूरा चक्र या दो साल का पूरा चक्र लगता है उनमें। पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, फिर फ्लावरिंग ग्रोथ होती है, फ्लावर बनते हैं। तो उस पूरे टाइम पीरियड में क्या होता है कि उनको लो टेम्परेचर मिल जाता है, और लो टेम्परेचर मिलने के बाद में जो है उनमें आसानी से फ्लावरिंग हो जाती है। आर्टिफिशियली भी जो है, अगर कुछ ऐसे प्लांट है जिनकी ग्रोथ को हमको बढ़ाना है, फ्लावरिंग को हमको स्टिमुलेट करना है, तो उसके लिए हम जो है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। यानी वो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम सीड्स को जर्मिनेट कर लें, सीड को जर्मिनेट करने के बाद जर्मिनेटेड सीड को 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उनको लो टेम्परेचर में रखें, और फिर हम उनको जो है प्लांट्स को उगाएं, उन जर्मिनेटेड सीड्स को हम फील्ड में डालें, तो उनको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट मिल चुका है, तो आसानी से उन प्लांट्स की ग्रोथ
और उनकी जो फ्लावरिंग जो होती है वो बहुत अच्छी तरह से होगी। तो इसको बोलते हैं वर्निलाइजेशन, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, यानी कि किसी भी प्लांट के लिए टेम्परेचर जो है वो बहुत असेंशियल है फ्लावरिंग के लिए। और ये वर्निलाइजेशन किससे, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट से, यानी कि उसको लो ट्रीटमेंट पूरे उसके लाइफ साइकिल में एक बार, मिनिमम एक बार या दो बार जो है उसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। वो हम आर्टिफिशियली दे सकते हैं या फिर वो नेचुरली भी वो उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो इस तरह से आज हमने फिजियोलॉजी और फ्लावरिंग दो फैक्टर से इफेक्टिव है, दो टर्म हमने पढ़ी है, फोटोपीरियोडिज्म और वर्निलाइजेशन। ठीक है, इस आप ये आपका पूरा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। इसका नोट्स मैं आपको भेज दूंगी पीडीएफ के थ्रू। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।